Good morning, students. Previously we discussed about the process of photosynthesis. Photosynthesis के process में हमने दो नए terms सुने थे, that is chlorophyll and stomata. So in today's video lecture we will be discussing about these terms, chlorophyll and stomata. उसके बाद हम diagram के through जानेंगे कि आपका, जैसे कि मैंने आपने leaf का diagram draw किया है, section of leaf draw किया है, उसमें हम पोजीशन जानेंगे क्लोरोफिल की एंड स्ट्रोमेटा. स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उनके वॉल और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लोरोफिल. स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, जो आपका क्लोरोफिल होता है दैट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट जो कि आपके लीफ में पाया जाता है. और ये क्या करता है, आपके जो आपकी सनलाइट एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करता है, जो एनर्जी आपके प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के काम आती है, राइट, या फिर प्लांट्स में फूड को प्रिपेयर करने के काम आती है. सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट. यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज अ लीफ, आपको लीफ ऐसे दिखाई देती है. जब हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको एक बाइसेक्शन, इस तरीके से सेक्शन दिखाई देता है लीफ का, जहां पर कि अगर हम क्लोरोफिल को देखेंगे तो क्लोरोफिल यहां पर रिप्रेजेंट होते हैं इस तरीके से. ये ग्रीन कलर पिगमेंटेशन है, ये आपके पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जो आपकी प्लांट्स में प्लांट सेल्स है और जो आपके लीफ में फोटोसिंथेटिक सेल्स होती है, फोटोसिंथेसिस में जो काम आती है, दीज आर मेसोफिल्स, उनके अंदर यानी कि जो सेल है सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल्स है, एक प्लास्टिड है, जो कि आपके क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को जिसको हमने नाम दिया क्लोरोफिल. ओके, तो ये क्लोरोफिल आपका क्या काम कर रहा है, इसका वो क्या है, ये क्या कर रहा है, आपके कैप्चर कर रहा है. क्या कैप्चर कर रहा है, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहा है, सनलाइट एनर्जी को, और जो एनर्जी आपकी यूज हो रही है टू सिंथेसिस और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में पढ़ा. ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड वॉल दैट इज स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या होता है स्टूडेंट्स, इन लीफ में क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं. अगर आप इसी तरीके से सेक्शन में देखते हो, माइक्रोस्कोप के जरिए से आप देखते हो, तो आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आते हैं. इन पोर्स को कहते हैं आप स्ट्रोमेटल पोर्स या स्ट्रोमेटल ओपनिंग. अगर पर्टिकुलर एक पोर की बात करें तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे बोलोगे स्ट्रोमा, दैट इज अ सिंगुलर. अगर हम सारे पोर्स की बात करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं स्ट्रोमेटा. अब स्ट्रोमेटा का रॉ क्या है प्लांट्स में, आपको समझ आया कि स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो कि आपके जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है तो आपको पता है जो एटमोस्फेयरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा. तो वो किस के जरिए से, कहाँ से एंटर करेगी वो CO2 प्लांट्स में, वो लीफ में जो ये पोर्स होते हैं बच्चों, एक ही पोर्स के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है आपके, क्योंकि प्लांट्स को क्या करना होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करना होता है, देन उन्हें रिलीज करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है ऑक्सीजन. तो वो रिलीज और वो जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो किसके जरिए से होगा, वो इन पोर्स के जरिए से होगा जिन्हें हमने क्या नाम दिया, स्ट्रोमेटा. स्ट्रोमेटा आपको समझ में आए, स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, अब गार्ड सेल्स क्या होते हैं, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. बाय स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यहाँ पे हम समझेंगे. देखिए, जब आप बाइसेक्शन देखेंगे, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है लीफ का. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मैंने स्ट्रोमा लिखा है, दैट इज अ सिंगुलर अगर हम एक पोर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपकी गार्ड सेल्स है. अगर इसको भी हम जूम करें तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगा. ओके, दैट इज अ स्ट्रोमेटल ओपनिंग. अब इसको कैसे समझेंगे, हमने क्या बोला कि जो आपका स्ट्रोमेटल, जो आपका पोर्स है, वो पोर क्या है, आपका सराउंडेड है एक गार्ड सेल्स के द्वारा. यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी गार्ड सेल्स होती है, आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है.
यानी कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही हो तो ये पोर्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो प्लांट्स इसको बंद कर देते हैं। वो भी रीजन आपको बताएंगे आगे कि क्यों इनमें जो स्क्रोमेटल पोर है वो क्यों ओपन होता है, क्यों क्लोज होता है। अब पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर एक पोर को हमें बनाया है, एक पोर का फिगर बनाया, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रोमा लिखा है। अब आप देखेंगे कि ये ओपन स्ट्रोमेटा है, इसकी पोजीशन चेंज क्या होता है, जैसे आपकी जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है, जैसे ही वाटर फ्लो होता है तो आपके जो स्ट्रोमेटल पोर है वो कैसे हो जाते हैं, स्वेल, वो फूल जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया है, वाटर फिल हो गया है। इसका मतलब हम उस स्ट्रोमेटा को क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, वो ओपन है, और ओपन है तो वहां से कैसे एक्सचेंज होता रहेगा। अगर वो वाटर की वहां पे नीड नहीं है, वाटर वहां से चला जाता है तो उसके बाद वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं स्ट्रोमेटा, उसको हम बोलते हैं। मतलब आपको यहाँ पे खुला स्ट्रक्चर दिखा है, उसके बाद स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बन जाता है, ये आपका क्लोज स्ट्रोमेटा कहलाता है। ओके, तो आपका स्ट्रोमेटल पोर, तो इस फिगर में आप क्या बोलोगे, जो ये पोर खुला है इसे बोलेंगे आप स्ट्रोमेटल ओपनिंग। गार्ड सेल्स क्या है, गार्ड सेल्स आपकी, अब इन गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है इसका, देखिए गार्ड सेल्स क्या काम करती है, जनरली जो ओपन एंड क्लोज है स्ट्रोमेटल पोर उसको रेगुलेट करने का काम करती है, यानी कि कब स्ट्रोमेटल पोर खुलेंगे, कब वो क्लोज होंगे, तो उसको रेगुलेट करने का काम की गार्ड सेल्स यहाँ पे करती है। आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, मैंने आपको एक क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था, जो कि प्लास्टिड है, सेल ऑर्गेनेल है, जो सेल के अंदर पाया जाता है, जो कंटेन कर रहा है क्लोरोफिल, तो ये आपका जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, यही आपका यहाँ पर सिचुएटेड होता है, जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो यहाँ से अब आपको जब मैंने बताया कि ओपनिंग हो रही है, अच्छा इन इंस्ट्रूमेंटल फोर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज तो हो रहा है, CO2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, और क्या होता है, देखिए प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, जो आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर का लॉस भी होता रहता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हुआ था, रूट्स के द्वारा हुआ था, और फिर वेसल्स के थ्रू वो ऑल ओवर जो पार्ट्स है प्लांट्स के उन तक पहुंचा। अब उस वाटर का क्या होना होता है, उस वाटर को लॉस उस वाटर का होना होता है, तो किसके जरिए वो वाटर का लॉस होगा, यही वो पोर्स है जिनके द्वारा आपका लॉस ऑफ वाटर होता है, और लॉस ऑफ वाटर इन द प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो देखिए स्ट्रोमेटल पोर्स के जरिए क्या हो रहा है, आपका गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटल पोर्स, स्ट्रोमेटल ओपनिंग। तो आपको इसी तरीके से ये फिगर ड्रॉ करना है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट अबाउट क्लोरोफिल एंड स्ट्रोमेटा।